रेस्टोरेंट। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक को। नाउ इस वीडियो में 31 और उसके आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए 31 में हमें प्रूफ करना है sec टू द पावर 6 थीटा इक्वल्स टू दिस। तो LHS है sec टू द पावर 6 थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा की होल पावर 3। नाउ एक आइडेंटिटी हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1। तो इस sec स्क्वायर थीटा के प्लेस पे लिखा जा सकता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस पार्ट को इस साइड ले आइए। नाउ इसको रिप्लेस कर दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से और होल क्यूब। इतना क्लियर। नाउ इसको ब्रेक कर दीजिए a प्लस b के होल क्यूब पे। ये होता है हमारा ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो इस पे ब्रेक कर दीजिए तो ए क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 प्लस 3 ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर इंटू बी, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 ए बी स्क्वायर, तो 3 इंटू 1 3 और बी स्क्वायर, तो 10 की पावर 4 थीटा प्लस बी क्यूब, तो इसका क्यूब 10 की पावर 6 थीटा बन जाएगा। नाउ अब प्रूफ में देखिए 10 की पावर 6 थीटा और 1, तो 1 और 10 की पावर 6 थीटा ये आ चुका है, ये हमें लेके आना है। तो देखिए 1 प्लस 10 की पावर 6 थीटा। अब बचे ये दो टर्म, इसमें अगर हम कॉमन ले ले 3 tan स्क्वायर थीटा, देखिए 3 tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा लाना है, तो यहां मिल जाएगा 1 प्लस यहां मिल जाएगा tan स्क्वायर थीटा। और देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा, यही लेके आना था। तो देखिए 1 प्लस tan टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा और ये पूरा बन गया sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू RHS। क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखिए 32 में यहां कॉसेक की पावर 6 थीटा है, यहां कॉट है, ठीक है। तो सिंपल सा सेम लॉजिक बन जाएगा। LHS है कॉसेक की पावर 6 थीटा और इसको लिख सकते हैं हम कॉसेक स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। और आइडेंटिटीज हमें मालूम है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये होता है इक्वल टू 1। तो नाउ इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस पार्ट को इस साइड ले आइए, होल क्यूब। नाउ ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी, तो 3 इसका स्क्वायर इंटू बी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 ए बी स्क्वायर, तो 3 इंटू 1 3 और इसका स्क्वायर तो कॉट की पावर 4 थीटा प्लस बी क्यूब, तो ये बन जाएगा कॉट की पावर 6 थीटा। अब यहां देखिए कॉट की पावर 6 थीटा और 1, तो ये और ये आ चुका है। तो 1 प्लस कॉट की पावर 6 थीटा प्लस इन दो में अगेन 3 tan 3 कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन हो जाएगा, तो यहां मिल गया 1, यहां मिल गया कॉट स्क्वायर थीटा। नाउ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इस कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले आइए, ये क्या बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट की पावर 6 थीटा प्लस 3 कॉट स्क्वायर थीटा और इसके प्लेस पे आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही हमें प्रूफ करना था। तो इक्वल टू RHS। नाउ नेक्स्ट करते हैं 33। देखिए 33 में कह रहा है LHS है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये रिप्लेस हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा से, क्योंकि देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये होता है इक्वल्स टू 1, ये पार्ट इधर ले आइए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसके प्लेस पे आ गया sec स्क्वायर थीटा, यहां है cot थीटा अपॉन cosec स्क्वायर थीटा। नाउ इसको नीचे ले आएंगे तो लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर थीटा, इस cot थीटा को लिखा जा सकता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, और इस cosec स्क्वायर थीटा को अगर हम ऊपर ले जाए तो लिखा जा सकता है sin स्क्वायर थीटा।
नाउ इस साइन थीटा से ये स्क्वायर कैंसिल, इस कॉस थीटा से ये स्क्वायर कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये होता है टेन थीटा, यही हमें लेके आना है इक्वल्स टू आर एच एस। अब नेक्स्ट करते हैं 34। देखिए 34 में कह रहा है 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये है एल एच एस, और यहां लेके आना है 1 अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये इक्वल्स टू होता है 1। तो साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये लिख दिए 1 प्लस कॉस ए, और इसको ब्रेक कर दीजिए 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। नाउ ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल, 1 अपॉन 1 माइनस कॉस ए यही लेके आना है इक्वल्स टू आर एच एस। नाउ नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 35। एल एच एस है यहाँ पे सेक ए माइनस टेन ए अपॉन सेक ए प्लस टेन ए। अब देखिए राइट हैंड साइड में या तो कॉस है या तो साइन है, तो इन सबको साइन कॉस में लिख दीजिए। तो सेक ए को लिखा जा सकता है 1 अपॉन कॉस ए, और टेन ए को लिखा जा सकता है साइन ए अपॉन कॉस ए होल अपॉन, यहां मिल गया 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। नाउ यहां एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ गया कॉस ए 1 माइनस साइन ए, और यहां 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। नाउ ये और ये कैंसिल, ये मिल गया 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। अब हमें प्रूफ करना है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है नीचे, कैसे आएगा देखिए। जब हम ऊपर 1 प्लस साइन ए और नीचे 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लीकेशन कर दे, तो ये मिल गया a माइनस b a प्लस b, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और इसको लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना है, तो इक्वल्स टू आर एच एस। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। यहां कह रहा है एल एच एस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। प्रूफ में देखिए यहां क्या है, नीचे 1 माइनस कॉस ए, तो सिंपली ऊपर 1 माइनस कॉस ए और नीचे 1 माइनस कॉस ए का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन यहां मिल गया साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, ये मिल गया साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। नाउ इस साइन ए से ये स्क्वायर कैंसिल, साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए यही हमें प्रूफ करना है, तो इक्वल्स टू आर एच एस। नाउ नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। यहां दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और यहां प्रूफ करना है sec a प्लस tan a। तो अगर हम यहां इसको रैशनलाइज कर दें, तो 1 प्लस साइन ए ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहां a माइनस बी इंटू ए प्लस बी 1 माइनस साइन स्क्वायर a बन गया। नौ रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो 1 प्लस साइन ए और ये कॉस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, तो स्क्वायर और रूट नीचे से भी कैंसिल, तो यहां मिल जाएगा कॉस ए 1 अपॉन कॉस ए लिखा जा सकता है इसको, और प्लस साइन ए अपॉन
कॉसे, ये बन गया सेके और ये बन गया टेने। यही हमें प्रूफ करना है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। देखिए यहां पे 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, अगर इस पार्ट को रैशनलाइज करें तो यहां हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए प्लस यहां पे दिया हुआ है 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, यहां रैशनलाइज करें तो यहां माइनस है तो यहां आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। नाउ ये बन गया रूट ओवर 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहां मिल गया 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। नाउ ये बन जाएगा नीचे साइन स्क्वायर ए यहां और यहां, तो देखिए ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर है, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो साइन ए प्लस यहां मिल गया हमें 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। नाउ एलसीएम साइन ए 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए। नाउ ये माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए कैंसिल, 1 प्लस 1 2, तो 2 अपॉन साइन ए, और साइन को ऊपर ले जाएंगे तो मिल जाएगा कॉसेक, तो ये बन गया 2 कॉसेक ए इक्वल टू RHS, क्लियर। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। LHS है आपका सेके माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, और ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए सेके माइनस टेन ए का होल स्क्वायर है, नाउ इस सेके को अगर हम लिख दे 1 अपॉन कॉस ए लिखा जा सकता है, और इस टेन ए को लिखा जा सकता है साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। नाउ यहां पे कॉस ए एलसीएम बन जाएगा और यहां आ जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये बन जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और इसके प्लेस पे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये होता है इक्वल्स टू 1, तो कॉस स्क्वायर ए के प्लेस पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। नाउ यहाँ पे 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और यहाँ है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। नाउ इससे ये कैंसिल, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, यही हमें प्रूफ करना है, ठीक है, तो इक्वल्स टू RHS। नाउ नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। देखिए 40 में अगर हम RHS उठा लें तो सिमिलर लॉजिक पे ये चीज आ जाएगा। देखिए कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, तो कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉसेक है, कॉसेक को नीचे ले आइए तो 1 अपॉन साइन ए ये लिख सकते हैं, और इसका होल स्क्वायर। नाउ यहां साइन ए एलसीएम आ जाएगा, और यहां मिल गया कॉस ए -1 इस पूरे का होल स्क्वायर, ये मिल गया कॉस ए -1 का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए। नाउ ये मिल गया कॉस ए -1 का होल स्क्वायर, और इस पूरे पार्ट को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। नाउ यहां मिल गया कॉस ए -1, यहां देखिए होल स्क्वायर है, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन भी ले ले तो यहां मिल जाएगा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, तो आप माइनस ऑफ दिस का स्क्वायर कहे या इस पूरे का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर भी 4, 2 का स्क्वायर भी 4,
तो हम इस पूरे पार्ट को लिख सकते हैं वन माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और यहां पे है वन माइनस कॉस ए और वन माइनस कॉस ए स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं वन माइनस कॉस ए इंटू वन प्लस कॉस ए, और इसको लिखा जा सकता है वन माइनस कॉस ए इंटू वन माइनस कॉस ए। नाउ ये और ये कैंसिल, वन माइनस कॉस ए अपॉन वन प्लस कॉस ए इक्वल टू एल एच एस आ गया, ये भी प्रूफ हो गया। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। में यहां पे 1 अपॉन sec a माइनस 1 है और यहां 1 अपॉन sec a प्लस 1 है, और हमें मालूम है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a ये होता है इक्वल टू 1, तो sec स्क्वायर a इस 1 को इस साइड ले आइए तो माइनस 1, इस पूरे के प्लेस पे लिखा जा सकता है ये पार्ट इधर ले आइए तो tan स्क्वायर a, और ये कैसे बनेगा जब हम यहां LCM ले लेंगे तो sec a माइनस वन sec a प्लस वन एलसीएम आ गया, वन इंटू दिस sec a प्लस वन प्लस वन इंटू दिस, तो वन इंटू sec a माइनस वन, वन और माइनस वन कैंसिल, यहां आ गया टू sec a अपॉन, इसको लिखा जा सकता है sec स्क्वायर a माइनस वन, और इस पूरे के प्लेस पे लिख दीजिए tan स्क्वायर a, तो 2 sec a अपॉन tan स्क्वायर a। अब देखिए प्रूफ हमें करना है cos a इंटू cot a, 2 तो मिल चुका है, तो देखिए यहां पे 2 sec को नीचे ले आइए तो लिख सकते हैं cos a, इतना क्लियर। नाउ एक cot a चाहिए तो एक tan a को ऊपर ले आइए, कॉट ए बन जाएगा, यहां बचा टेन ए, तो टेन ए नीचे है ऊपर ले आएंगे तो कॉट ए बनेगा, कॉट ए को लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, तो ये बन गया। नाउ कॉस ए कैंसिल, टू कॉट ए और साइन ए को जब हम ऊपर लिखेंगे तो ये मिल जाएगा कॉस ए के, यही हमें प्रूफ करना है, तो इक्वल टू आर एच एस। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। यहां पे cos a अपॉन वन माइनस tan a प्लस साइन a अपॉन वन माइनस cot a है, प्रूफ में देखिए साइन और cos है, तो इस पूरे को साइन और cos में लिख दीजिए, तो देखिए ये बन जाएगा cos a अपॉन वन माइनस इस tan a के प्लेस पे हम लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a प्लस sin a अपॉन वन माइनस cot a के प्लेस पे लिखा जा सकता है cos a अपॉन sin a। नाउ यहां मिल गया cos a, यहां LCM ले लीजिए cos a, तो ये हो जाएगा cos a माइनस sin a अपॉन cos a प्लस यहां हो गया sin a अपॉन यहां साइन ए एलसीएम ले लीजिए, तो ये बन गया साइन ए माइनस कॉस ए। नाउ ये पार्ट ऊपर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, नाउ यहां पे ये पार्ट ऊपर चला गया तो साइन स्क्वायर ए अपॉन, देखिए यहां कॉस ए माइनस साइन ए है तो इसको अगर हमें स्वैप करना है तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, अगर हम इसको लिख दे कॉस ए माइनस साइन ए तो यहां प्लस की जगह आ जाएगा माइनस। नाउ एलसीएम सेम बन गया कॉस ए माइनस साइन ए, यहां आ गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको लिखा जा सकता है कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए। नाउ ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल, ये आ गया साइन ए प्लस कॉस ए, यही हमें प्रूफ करना है, इक्वल टू आर एच एस। देखिए नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43।
कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए माइनस वन प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए प्लस वन। तो यहां अगर हम एलसीएम ले ले तो क्या मिल जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन। हम जानते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए ये होता है वन, तो कॉसेक स्क्वायर ए इस वन को इस साइड ले आइए तो माइनस वन, ये पार्ट इधर ले आइए तो कॉट स्क्वायर ए। तो इस पूरे के प्लेस पे हम रिप्लेस कर सकते हैं कॉट स्क्वायर ए को। तो देखिए यहां एलसीएम ले लीजिए तो ये बन गया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन, क्योंकि दिस इंटू दिस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन, और इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए यहां क्या मिल जाएगा, देखिए कॉसेक ए माइनस वन तो दिस इंटू दिस हो जाएगा कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए प्लस वन, नाउ प्लस कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए माइनस वन बन जाएगा। ये मिल गया कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए, और इस पूरे के प्लेस पे हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए। नाउ यहां पे ये और ये कैंसिल, टू कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए प्रूफ करना है हमें टू सेक स्क्वायर ए, ये कैसे आएगा, तो देखिए टू कॉसेक स्क्वायर ए को अगर हम नीचे ले आए तो साइन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, और इस कॉट स्क्वायर ए को अगर हम ऊपर ले जाए तो टेन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, और टेन क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए कैंसिल, टू अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को ऊपर ले जाइए तो सेक बन जाएगा सेक स्क्वायर ए इक्वल टू आर एच एस। क्लियर, देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। एल एच एस है वन प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस, इस पूरे को लिखा जा सकता है टेन स्क्वायर ए प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर ए, इतना क्लियर। अब देखिए एक आइडेंटिटीज हमें मालूम है sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए ये होता है वन, तो वन प्लस टेन स्क्वायर ए के प्लेस पे हम लिख सकते हैं ये पार्ट इधर ले जाइए तो वन प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू sec स्क्वायर ए, तो इसकी जगह लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए प्लस, यहां भी मिल गया sec स्क्वायर ए अपॉन टेन स्क्वायर ए, इतना क्लियर। इसको लिखा जा सकता है वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस, इस sec को नीचे ले आए तो cos बन जाएगा तो cos स्क्वायर ए, और tan को ऊपर ले जाए तो cot बन जाएगा, cot को लिखा जा सकता है cos a अपॉन sin a, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर ए अपॉन sin स्क्वायर ए, ये और ये कैंसिल। यहां देखिए लेके आना है sin स्क्वायर ए माइनस sin टू द पावर फोर ए डिनोमिनेटर में, वो कैसे आएगा इसको sin में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए ये होता है वन, तो वन अपॉन इस कॉस स्क्वायर ए के प्लेस पे लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस वन अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब अगर हम एलसीएम ले ले तो साइन स्क्वायर ए इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर ए, यहां मिल गया साइन स्क्वायर ए प्लस दिस इंटू दिस तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कैंसिल, यहां मिल गया वन अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू वन साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, और माइनस है तो माइनस साइन टू द पावर फोर ए, यही हमें प्रूफ करना है तो इक्वल्स टू आर एच एस। क्लियर, नाउ नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। देखिए यहां पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए, और यहां है टेन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है cosec स्क्वायर ए, देखिए cosec स्क्वायर ए
माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये होता है इक्वल्स टू वन, इस पार्ट को इस साइड ले जाइए तो वन प्लस कॉट स्क्वायर ए के प्लेस पे आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, और यहाँ है कॉट स्क्वायर ए। इस टैन को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस में, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और इस सेक स्क्वायर ए को ऊपर ले जाइए तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। नाउ कॉट है यहाँ तो कॉस अपॉन साइन, तो यहाँ बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, और इस कॉसेक को ऊपर ले गए तो साइन स्क्वायर ए। ये और ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ मिल गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये होता है वन। यही हमें प्रूफ करना है। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। देखिए आरएचएस में यहां कॉसेक ऊपर और नीचे दोनों, यहां है कॉट, तो इसको अगर हम चेंज कर दे कॉस और साइन में तो ये लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉट को माइनस कॉस ए, इतना क्लियर। नीचे भी लिख दीजिए कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, यहां मिल गया कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए, और यहां अपॉन साइन ए कैंसिल हो जाएगा, यहां मिल जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए। अब लेके आना है कॉस ए के माइनस वन अपॉन कॉस ए के प्लस वन, तो एक काम ये कर सकते हैं यहां पे कॉस ए कॉमन है तो वन माइनस साइन ए बचा, और यहां पे भी कॉस ए कॉमन है तो वन प्लस साइन ए बचा, ये और ये कैंसिल। कॉसेक में प्रूफ चाहिए तो इसको हम लिख सकते हैं साइन को वन अपॉन कॉसेक ए, नीचे भी बन जाएगा वन अपॉन कॉसेक ए, ये आ गया कॉसेक ए माइनस वन अपॉन कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए प्लस वन अपॉन कॉसेक ए, ये और ये कैंसिल। कॉसेक ए माइनस वन अपॉन कॉसेक ए प्लस वन, यही हमें प्रूफ करना है, इक्वल टू आर एच एस, क्लियर। देखिए नेक्स्ट है 47 का वन, वन प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है इक्वल टू, हमें लेके आना है वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखिए यहां पे हम इसको इस तरीके से अगर ब्रेक कर दे और उसके बाद इस पार्ट को रैशनलाइज करें तो ऊपर क्या बन जाएगा, यहां माइनस है तो वन प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इतना क्लियर। नाउ ये बन गया वन प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, सिमिलर है यहां भी तो वन प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, यहां मिल गया वन प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। नाउ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इस पे ब्रेक कर दीजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए होल अपॉन ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहां साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम लिख सकते हैं माइनस वन माइनस साइन वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा को। नाउ यहां मिल गया वन और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, तो वन प्लस वन टू, टू कॉस थीटा प्लस टू कॉस थीटा साइन थीटा प्लस टू साइन थीटा अपॉन, नीचे बन गया वन प्लस टू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और माइनस माइनस
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना क्लियर। नाउ इन दोनों से अगर हम टू कॉमन ले ले तो यहां मिल गया वन प्लस कॉस थीटा, और इन दोनों से अगर हम टू साइन थीटा कॉमन ले ले तो यहां मिल गया कॉस थीटा प्लस वन होल अपॉन, यहां बन जाएगा देखिए वन और माइनस वन कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां है टू कॉस थीटा। नाउ अब यहां से टू इंटू वन प्लस कॉस थीटा दोनों से कॉमन ले ले तो यहां मिल जाएगा वन और यहां मिल जाएगा साइन थीटा अपॉन, इन दोनों से अगर टू कॉस थीटा कॉमन ले ले तो यहां मिल जाएगा कॉस थीटा प्लस वन। नाउ ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल, टू भी कैंसिल, वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमें लेके यही आना है तो इक्वल टू आर एच एस, क्लियर। देखिए नेक्स्ट है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन, अगर हम इसको इस तरीके से ब्रेक कर दे और फिर रैशनलाइज करे तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बीच में माइनस है तो यहां आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस वन, इतना क्लियर। नाउ यहां है साइन थीटा प्लस वन साइन थीटा प्लस वन, तो इसको ए मान ले और इसको बी मान ले तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन थीटा प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, यहां मिल गया ए माइनस बी ए प्लस बी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर वन। नाउ ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर दीजिए, प्लस टू साइन थीटा प्लस वन, और इस कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हम लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस वन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन और माइनस वन कैंसिल। देखिए यहां मिल गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा वन और माइनस वन कैंसिल अपॉन टू साइन थीटा कॉस थीटा। नाउ यहां से टू साइन थीटा ऊपर से कॉमन ले ले तो यहां मिल गया साइन थीटा प्लस वन अपॉन टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो टू साइन थीटा कैंसिल, यहां आ गया साइन थीटा प्लस वन अपॉन कॉस थीटा। प्रूफ में हमें ये करना है तो देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं इसको, ये बन जाएगा टेन थीटा प्लस वन अपॉन कॉस थीटा, ये बन जाएगा सेक थीटा, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा ये है। अब अगर हम टेन थीटा माइनस सेक थीटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो ये मिल जाएगा, नाउ ये बन गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब देखिए हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये होता है वन, ऊपर में स्वैप किया हुआ है, अगर हम इसको अगेन स्वैप करें तो माइनस वन बाहर आ जाएगा, तो माइनस वन बाहर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा, तो ये बन गया हमारा वन, तो माइनस वन अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा, लाना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो इसको स्वैप कीजिए तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस बाहर सेक थीटा माइनस
टेन थीटा बन गया, ये माइनस वन और माइनस वन कैंसिल, वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू आर एच एस, प्रूव हो गया। नाउ इन द सेम वे इसको इस तरीके से ब्रेक कर लीजिए, और ऊपर और नीचे किसका मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस वन का, रैशनलाइज कर दीजिए, सिंपली ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्रूफ में हमें देखिए सेक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए लेके आना है, तो अगर हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दे तो उससे सेक और कॉसेक लाना आसान हो जाएगा। तो टेन को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉट को लिखा जा सकता है कॉस ए अपॉन साइन ए, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब एलसीएम ले लीजिए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। नाउ साइन टू द पावर फोर ए प्लस कॉस टू द पावर फोर ए, इसको लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर, और इसको लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। इतना क्लियर? नाउ ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहां पे प्लस टू ए बी आएगा, तो माइनस टू ए बी कर दीजिए, तो प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका यूज कीजिए यहां, तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो माइनस टू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, होल अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। इतना क्लियर? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन होता है, वन का स्क्वायर वन ही होगा, तो वन अपॉन दिस, लाना क्या है सेक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए, तो जब हम वन अपॉन ये लिखेंगे तो ये पार्ट ऊपर जाएगा तो कॉसेक बन जाएगा, और ये सेक बन जाएगा, माइनस दिस अपॉन दिस, तो ये दोनों सिमिलर है कैंसिल, बचेगा टू, यही हमें प्रूफ करना था। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। एल एच एस है वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए माइनस वन, प्रूफ में हमें लाना है टेन स्क्वायर ए, तो इसको हम टेन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वन माइनस टेन स्क्वायर ए ये बन जाएगा वन अपॉन टेन स्क्वायर ए माइनस वन, वन माइनस टेन स्क्वायर ए यहां मिल गया वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन टेन स्क्वायर ए, इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस टेन स्क्वायर ए और इनटू, तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा टेन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए, ये और ये कैंसिल, आ गया टेन स्क्वायर ए इक्वल टू आर एच एस। तो देखिए इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 50 तक कंप्लीट हुआ, एंड आई होप कि अच्छे से समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में 51 और उसके आगे क्वेश्चंस को देखेंगे।